केमिस्ट्री ऑफ लाइफ लाइफ की केमिस्ट्री डिस्कस करने बस लिए एक कॉमन वर्ड हम यूज़ करते हैं अच्छा जी मेरे दोस्त से मेरी केमिस्ट्री बहुत मिलती है ये वो केमिस्ट्री नहीं है इसमें वो केमिस्ट्री तो वो है जी मेरी हैबिट्स से मिलती हैं उसकी जो फीलिंग्स है मेरी फीलिंग्स उसकी एक जैसी लाइकिंग डिसलाइकिंग एक जैसी हैं साइंटिफिक साइंस के अंदर केमिस्ट्री ऑफ लाइफ का मतलब यह है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किन चीज़ों से बनी हुई हैं कि केमिकल कंपोजिशन क्या है फर्स्ट वी विल डिस्कस द कंटेंट्स एलिमेंट्स कंपाउंड टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग एसिड्स बेसिस एंड बर्फर्स द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स जिस तरह से मैटर जितना भी है वह सारे के सारा एलिमेंट्स से बना हुआ है गैसज भी एलिमेंट्स से बनी हुई हैं दे आर गैशियस एलिमेंट्स लिक्विड सॉलिड्स तो जिस तरह से तमाम बाकी नॉन लिविंग थिंग्स दे आर मेडअप ऑफ एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर आलसो मेड अप ऑफ एलिमेंट्स अगर एलिमेंट्स की हम डेफिनेशन करें तो बेसिक नाइन टेंथ में पहले तो हम शुरू में एक डेफिनेशन पुरानी पढ़ते थे कि जी एलिमेंट वो है जिसका जिसके एटम का मलेकुलर मास जो है वो सेम हो लेकिन बाद में वहीं पढ़ा था कि जी बाद की रिजल्ट्स ने शो किया एक्सपेरिमेंट्स शो किया कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स के एटम्स हैं जिनका मलेकुलर मास एक जैसा नहीं होता क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट होते हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है तो फिर जो एलिमेंट की कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है प्रॉपर डेफिनेशन वो ये है तो एलिमेंट आर द एटम्स विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्योंकि किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उसमें प्रोटोन का नंबर चेंज नहीं होता है इसलिए ऑल द एटम दो विच आर हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन दे आर बिलोंगिंग टू सेम एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव एलिमेंट्स जो हैं वो रिपोर्टेड हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर मेड अप ऑफ अबाउट ट्वेंटी फाइव एलिमेंट्स जबकि नेचर के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो नेचुरली है देर इज अबाउट नाइन्टी टू जबकि ह्यूमन जो लिविंग ऑर्गेजम है उनके अंदर ट्वेंटी फाइव जो है वो मौजूद है एलिमेंट्स जो हैं दे रिएक्ट विद इंटरेक्ट विद इच अदर कुछ एलिमेंट्स हैं वो एज नेचर के अंदर मौजूद है जैसे ऑक्सीजन एज एलिमेंट मौजूद है ठीक है लेकिन ज़्यादातर जो है वो एलिमेंट्स जो है दे कम्बाइन विद अदर एलिमेंट्स एंड दे फॉर्म द कंपाउंडस तो इस एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि वैन टू आर मोर एलिमेंट्स दे कम्बाइन अदर एंड दे फार्म आर कंपाउंड तो उसे जब कंपाउंड बनता है अब जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर दोनों एलिमेंट्स हैं दे मिलकर एक वाटर बना रहे वाटर इज अ कंपाउंड अब जितने भी जो ज्यादातर हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मटेरियल है वो कंपाउंड्स के फार्म में मौजूद है इसमें हमारे पास जो ये कंपाउंड्स जो हैं दे एग्जिस्ट इन द मालिकुलर फॉर्म ये मालिक्यूल्स की शक्ल में हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है इसे वाटर मालिक्यल्स हैं वाटर कंपाउंड है लेकिन ये मालिकूल्स के वाटर मालिक्यूल्स हमारे बॉडी में मौजूद हैं इसी तरह से अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मालिकूलर फॉर्म में हमारे अंदर मौजूद हैं ग्लूकोज के मालिक्यूल्स जो वो ग्लाइकोजन के मालिक्यल्स इस तरह से जो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो फैटी एसिड्स के मालिक्यल्स हमारे हैं अमाइनो एसिड्स के मालिक्यूल्स हैं हीमोग्लोबिन के मालिक्यूल्स हैं तो मीन्स के जो एलिमेंट्स हैं या ये ये कंपाउंड्स बना रहे हैं और कंपाउंड मालिक्यूल्स के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर एग्जिस्ट करता है ब्रॉडली मालिक्यूल्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स एंड द इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स अगर हम वर्ड्स का मीनिंग देखें तो ऑर्गेनिक कहते हैं ऐसी चीज़ को जो लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हो और इनऑर्गेनिक ऐसी चीज़ है जो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हो तो इसका मतलब इन ब्रॉड सेंस हम ये कहेंगे ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स दे आर ऑबटेन फ्राम दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेकिन इसकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है वो ये है कि ऑर्गेनिक मालिक्यूल जो है दे आर हैविंग अ कार्बन बैकबोन तो इनके अंदर कार्बन की बैकबोन स्केलेटन मौजूद है जितने भी ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं अब जो पहली डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्रीवियस ये जब शुरू में जो एक डेफिनेशन थी बाद में एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ऑर्गेनिक मालिक्यूल को हम लैब में खुद भी सेंथिसाइज़ करवा सकते हैं जैसे यूरिया जो हम यूज़ करते हैं खाद के तौर पर ये लैब में सेंथिसाइज होता है इंडस्ट्री के सेंथिसाइज होता है बहरहाल ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स आर दोज विच आर हैविंग कार्बन बैकबोन कार्बन स्केलेटन उनके पास मौजूद है इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स दे आर द मालिक्यूल्स विच आर हैविंग विच आर नॉट हैविंग अ कार्बन कार्बन बैकबोन जिनके पास कार्बन बैकबोन नहीं है ठीक है जैसे वाटर हो गया सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस तरह के जो इनऑर्गेनिक मटेरियल जितने भी हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स जो हैं वो दे आर दी एक्चुअली द इनऑर्गेनिक मालिक्यूल्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम जो मालिक्यूल्स हैं या जो एग्जिस्ट करते हैं उसमें ग्लूकोज वाटर अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स ये तमाम के तमाम जो है दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स अगर मालिक्यूल्स के अंदर हम देखें तो मालिक्यूल्स में आइटम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसी तरह से डिफरेंट मालिक्यूल्स आपस में मिलकर एक कम्प्लेक्स मालिक्यूल बना रहे होते हैं जैसे ग्लूकोज के मालिक्यूल्स मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं अमाइनो एसिड के मालिक्यूल मिलकर प्रोटीन का मालिक्यूल बनाते हैं तो आपस में जितने भी मालिक्यूल्स या एटम्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं तो इसमें आमतौर पर डिफरेंट फोर्सेज इन्वॉल्व हैं फोर्सेज को साइंस में बॉन्डिंग कहते हैं से तीन तरह की फोर्सेज ज़्यादा कॉमन हैं जिनको हम कहते हैं कि दे आर थ्री टाइप्स मेन टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द आयोनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है जैसे वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये आमतौर तो पर हाइड्रोजन और इसके सामने अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम मौजूद है जैसे ऑक्सीजन हो गया या फ्लोरिन हो गई है तो इनके साथ जो क्या करता है ये हाइड्रोजन की जब बॉन्डिंग होती है एक आमतौर तो पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो वाटर और इसके जो हाइड्रोजन और इसके सामने जो है ऑक्सीजन के साथ जो है वो ज़्यादा कॉमन है आयनिक बॉन्ड्स आयनिक बॉन्ड्स बॉडी में बनते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये आमतौर पर आयंस के दरमियान में आयंस के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और आपस में जो अट्रैक्शन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहेंगे आयनिक बॉन्ड्स लिविंग ऑर्गेनिज के अंदर जितना भी अगर इसका एन्वायरमेंट देखते हैं तो दे आर आल्सो कंटेनिंग द एसिड्स बेसिस एंड द बफर इसका मतलब तो लाइफ की केमिस्ट्री के अंदर जो केमिस्ट्री वाले प्योर केमिस्ट्री वाले एसिड बेसिस है वो भी शामिल हैं तो आमतौर पर एसिड्स को अगर हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के एसिड वो है जो हाइड्रोजन आरहेनस ने यही कहा था ना कि हाइड्रोजन आयन को रिलीज करने वाला जो है वो मालिकूल क्या है हाइड्रोजन जो है वो एसिड कहलाए का इसी तरह से जो हाइड्रोजन आयन को रिलीज करता तो वो हाइड्रोक्सल के साथ रिएक्ट भी करता है हाइड्रोजन आयन रिलीज करने वाला एसिड है हाइड्रोक्सल आयन को रिलीज करने वाला बेस है तो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स भी मौजूद हैं एसिड तो बड़े कॉमन आपने पड़े हुए हैं अमाइनो एसिड्स एसिड आ गया साथ फैटी एसिड्स एसिड आ गया है इससे आ, कुछ ऐसे एसिड हैं जो हमारे इंडस्टाइन जो स्टोमिक के अंदर बनते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये एग्जांपल्स हैं उन एसिड्स के जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है बेसिस बेसिस जो होते हैं वो आमतौर पर जब अच्छा एक और चीज़ एसिड के ऊपर आमतौर पर, आम पर नेगेटिव चार्ज होता है जो कि उसका हाइड्रोजन आयन डोनेट हो जाता है और वह नेगेटिव चार्ज साथ कैरी करते हैं बेसिस जो है हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं जो हाइड्रोक्सल ग्रुप रिलीज़ करते हैं और उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है इसलिए अगर आप जनरली देखें ना कोई ऐसा मालिक्यूल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम कहेंगे ये बेसिक प्रॉपर्टीज रखता है ये बेस है और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको हम क्या कहेंगे इट इज़ अ एसिड वो एसिडिक प्रॉपर्टीज जो है वो रखता है अच्छा बेसिस की एग्जाम्पल हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस हैं डीएनए के अंदर नाइट्रोजन बेसिस पाई जाती हैं एडीनीन गवानीन साइटोसिन थाइमिन ये बेसिस हैं सारी ठीक है बेसिक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं ये अच्छा तीसरी चीज़ है बफर्स बफर्स बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है कंपाउंड्स का जो पीएच को फ्लक्चुएट नहीं होने देता एसिड पीएच को ड्रॉप करता है जो बेस है वो पीएच को ऊपर लेकर जाता है अब हमारे बॉडी की पीएच तो बड़ी स्टेबल है वी आर हैविंग पीएच ऑफ 7.35 टू 7.45 यही नैरो पीएच की रेंज है हमारी बॉडी के अंदर अगर एसिड ज्यादा चला गया एसिड तो पीएच को फौरन नीचे लाएगा ठीक है वो तो पीएच को सेवन की बजाय जब वो सिक्स पर और फाइव पर ले आएगा और हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे इन हालात में तो फिर नेचर ने कुदरत ने एक मेकनिजम जनरेट किया हुआ है कि एक बफरिंग सिस्टम बना दिया गया है कि बफर जो होते हैं दे रेजिस्ट चेंज इन पी एच वो पी एच को सेवन से ऊपर भी नहीं जाने देंगे सेवन से नीचे भी नहीं आने देंगे तो एक स्टेबल इन जो है वो पोजिशन के ऊपर पी एच को रखते हैं अब डिफरेंट बफरिंग सिस्टम हमारे बॉडी में मौजूद है जो मोस्ट कॉमन हमारे पास है दैट इज़ द कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट बफरिंग सिस्टम ये हमारे कार्बोनिक एसिड कार्बोनेट बफरिंग सिस्टम हमारे ब्लड में भी है और हमारे टिश्यू फ्रूट के अंदर मौजूद है जो आमतौर अब इसमें होता यह है अगर हाइड्रोजन आयन आ जाए तो कार्बोनेट आयन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलकर कार्बोनो एसिड बना देते हैं तो इससे से पीएच जो है वो डिक्रीज नहीं हो, होती कम नहीं होती इससे से अगर हाइड्रोजन आयन कहीं से चले जाएँ या उस फ्लूड से निकल जाए तो पीएच इंक्रीज होने का खतरा है तो एसिड ब्रेक डाउन होगा और हाइड्रोजन आइन रिलीज कर देगा तो इस ये हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को क्या करेगा कंट्रोल करेगा इट इज़ अ इंपॉर्टेंट बफरिंग सिस्टम इन आवर बॉडी इस और भी हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है बाकी ऑर्गेनाइज़ के अंदर भी बाकायदा एक बफरिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है